जयपुर में अब जिला प्रशासन के साथ श्रमिक विभाग की चार टीम श्रमिकों की व्यवस्था करने में लगातार जुटी हुई है। ये टीम पैदल जाते हुए श्रमिकों को बसों के द्वारा उनके राज्यों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। गुजरात के गांधीनगर से पैदल चलकर जयपुर पहुंचे एक दर्जन से अधिक श्रमिकों को विभाग की टीम की ओर से रोक लिया गया और बाद में श्रमिकों को बस में बिठाकर शेल्टर होम ले जाया गया। इस दौरान श्रमिकों ने एवन टीवी के माध्यम से राज्य सरकार का धन्यवाद भी दिया। हम अहमदाबाद से आ रहे हैं, गांधीनगर जिला से। कहाँ जाना है? यूपी जाना है, कानपुर। यहाँ किसने रोका? यहाँ पर हम लोग पैदल आ रहे, तो राजस्थान सरकार ने रोका। अब कहाँ ले जा रहे हैं? जी अब कहाँ ले जा रहे हैं? अब हम लोगों को बोल रहे हैं कि ट्रेन के द्वारा आपको यूपी पहुँचाया जाएगा, कानपुर। छतराली गांधीनगर से आ रहे हैं, पैदल आए आधी दूर तक। राजस्थान आए तो यहाँ से सरकार ने अपने साधन से कानपुर भेज रहा है। मैं हाथ जोड़ के राजस्थान सरकार को प्रणाम करता हूँ जो हमारे यूपी पहुँचाने तक का कष्ट किया। कहाँ से चल के आए हम लोग? चल के आए हैं गुजरात से, गांधीनगर जिले से पैदल चल के आए हम लोग। दूसरी जगह व्यवस्था रोकने की नहीं की, जहाँ पुलिस वाले मिले थे आगे बढ़ा दिया और कोई नहीं रोका। मेरा नाम जयप्रकाश है, स्टील लाइन में काम करते हैं कंपनी में। कंपनी ने रहने की व्यवस्था नहीं की? खाना नहीं, खाना आना तो पूरा मिल रहा था वहाँ पे। कंपनी में कोई शिकायत नहीं थी मुझे, वहाँ से सारी व्यवस्था मुझे मिल रही थी। हम लोग इधर आ रहे थे तो कंपनी बोले कि उधर कैंप लगता है हमारे गुजरात में, और वो लोग बोले कैंप से बस मिलेगी, लेकिन कैंप पे गए तो टिकट मिलना बंद हो गया था। तो उधर से हम लोग सोचे कि चलो कालूपुर से मिल जाएगी, कालूपुर भी नहीं मिला। तो वहाँ से एक प्राइवेट साधन किया तो थोड़ी दूर तक आया, उन्होंने छोड़ा, फिर तब से इधर से पैदल ही चल रहे हैं हम लोग। सर बेसिकली जिला प्रशासन द्वारा तीन या चार टीमें बनाई गई हैं जो पूरे शहर में पेट्रोलिंग कर रही हैं, और कोई भी श्रमिक यदि पैदल मिलता है तो उसको हम उसी जगह रोक के और बसें मंगवा के उसके गंतव्य स्थान तक छुड़वाने की व्यवस्था करते हैं। यदि उस राज्य की ट्रेन उस दिन अवेलेबल है तो उनको ट्रेन में स्क्रीनिंग करके खाने वगैरह की व्यवस्था करके, बेसिकली ये अभी जो श्रमिक हमें मिले हैं ये चलते हुए सड़क पर मिले हैं, इनको रोका गया है। ये सारे यूपी के कानपुर में जाने वाले श्रमिक हैं तो इनको अभी आईटीआई बनीपार्क ले जाया जाएगा, वहाँ स्क्रीनिंग करके इनको ट्रेन के द्वारा इनके गंतव्य स्थान तक पहुँच।